दबो में सामाजिक न्याय विभाग भिंड द्वारा मूलचंद शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित श्री वाके बिहारी वृद्धा आश्रम में नवदुर्गा महोत्सव के मौके पर सुंदर कांड एवं जवारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूजन पंडित हरिमोहन शास्त्री द्वारा किया गया के पर सामाजिक न्याय विभाग भिंड से निरीक्षण के दौरान एडी पौराणिक एवं सुबोध श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ राजस्व निरीक्षक मुन्नालाल जामोरिया भी मौजूद रहे। वहीं संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति पंडित संतोष शर्मा, देवेंद्र पुजारी, रमेश तिवारी एवं भूरे ओझा द्वारा दी गई। तो सीधी तस्वीर आपकी जनअदालत पर आप देख रहे हैं, जहां पर श्री वाके बिहारी वृद्धा आश्रम में सुंदर कांड एवं जवारे का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक मुन्नालाल जामोरिया सहित दबो के वरिष्ठ नागरिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो सीधी तस्वीर है वाके बिहारी वृद्धा आश्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संगीतमय सुंदर कांड का आयोजन किया गया है और सुंदर कांड में प्रस्तुति पुजारी संतोष शर्मा, देवेंद्र पुजारी एवं रमेश तिवारी द्वारा दी गई। तो सीधी तस्वीर आपकी जनअदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं दबो के वाके बिहारी वृद्धा आश्रम की। इस मौके पर सभी वृद्धजन मास्क एवं सैनिटाइजर कोविड 19 के सभी नियमों का पालन करते हुए वृद्धजन मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल रहे और झूम झूम कर वो सुंदर कांड संगीतमय सुंदर कांड की प्रस्तुति में लीन हुए। Thank you.
आज दबों में आए हैं ये बाकी बिहारी वृद्धाश्रम में आज आपने ये निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान यहाँ पर जो सत्संग चल रहा था, यहाँ पर सुंदर कांड पाठ संगीतमय पाठ का आयोजन किया जा रहा था, इन सब सवालों के जवाब में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे आयोजन के समय समय पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिसको लेकर के शासन द्वारा क्या कोई इनको राहत राशि दी जाती? नहीं नहीं, कोई राहत राशि नहीं दी जाती, ये स्वयं इनके द्वारा अपने आयोजन कर किया जाएगा, अपना आयोजन इनका। शासन इस तरीके के आयोजन के लिए कोई मदद नहीं करता है, लेकिन ये जो काम इनके द्वारा किया जा रहा है बहुत ही उत्कृष्ट है, सराहनीय है। ऐसे काम चलते रहना चाहिए जिससे वृद्धों का मनोरंजन भी हो, उनकी आस्था भी बढ़े, और उन्हें देख देख कर मतलब जो युवा उन लोगों को घर से बाहर कर रहे हैं उन वो भी इंस्पायर हों, आने वाले समय में वो भी अपना सहयोग दे सकें। निरीक्षण के दौरान आपने क्या पाया, यहाँ पर क्या चल रहा है, जो गतिविधियाँ यहाँ की वृद्धाश्रम को उनको लेकर के क्या सवाल? बहुत फर्स्ट क्लास व्यवस्था चल रही है यहाँ। शासन की गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो उनके लिए रात के लिए क्या किस तरीके से आप लोग सुविधा दी जाती है शासन की तरफ से? त्रैमासिक रूप से इनका इनको अनुदान दिया जाता है शासन की तरफ से। सालाना अनुदान रहता है मासिक? नहीं, मासिक रहता है, मासिक गणना के जैसे वृद्ध होंगे उसके आधार पर उनको पैसा उनका सेंक्शन किया जाता है। कितने वृद्धों को रखने की है? 25 वृद्धों की। आश्रम में रखने के लिए क्या शर्तें रहती है? आश्रम में रखने के लिए शर्त ये रहती है इसमें या तो वो SDO के माध्यम से आए या निर्धन है, उसका कोई नहीं है तो आश्रम में रख सकते हैं अपन, और 60 वर्ष की आयु वृद्ध हो ऑलरेडी उसकी। तो आपने जो निरीक्षण कर रहे हैं उसमें आपने क्या आकलन किया है? बाकी बैरी आश्रम में जो चल रहा है सब तरीके अच्छा चल रहा है? मेरी नज़र से तो अभी अच्छा ही है। अब आने वाले कल में पता लगेगा जब पूरा वृद्धाश्रम सेट हो गया, अभी नए भवन में सेट हुआ है ना भाई, पुराने वृद्धाश्रम में जो व्यवस्था थी वो सही थी, नए वृद्धाश्रम में तो आज आप लोग आए और हम आए भाई, अभी एकदम तो कोई पूरी व्यवस्था एकदम संचालित नहीं हो पाती कहीं भी किसी भी जगह किसी भी योजना की संचालन। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज बांके बिहारी आश्रम में आज बांके बिहारी वृद्धाश्रम की संचालक श्रीमती सीमा चौरसिया जी के साथ आपकी जन अदालत न्यूज पर बात करेंगे। जिस तरीके से नवदुर्गा महोत्सव पर सुंदर कांड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं जवारे का भी आयोजन है बांके बिहारी वृद्धाश्रम में देखने को मिले हैं, तो ये बांके बिहारी आश्रम की सफल पहल है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं संचालक श्रीमती सीमा चौरसिया जी, आपकी जानकारी। बिल्कुल सर, आपका भी स्वागत है इस वृद्धाश्रम में। सीमा चौरसिया जी, जिस तरीके से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है तो ये शासन की गाइडलाइन में था, ये आपका निजी विचार था? नहीं, ये मेरा निजी विचार था। मैंने ये सोचा था कि मैं अभी स्थानांतरण कर रही हूँ आश्रम का, तो शुद्धिकरण के हिसाब से मैंने ये सारे पाठ रखे हुए हैं। हालांकि नवदुर्गा पाठ तो वहाँ भी होता था पुरानी वाली बिल्डिंग में, लेकिन सुंदर कांड का आयोजन मैंने यहीं किया है। सीमा चौरसिया, किस तरीके से आप देखती हैं, आपके मन में ये कब भाव आया कि आपको वृद्धाश्रम संचालन करना चाहिए वृद्धाश्रम का? ये भाव मेरे मन में जब आया कहना तो नहीं चाहिए, जब मैं अनमेरिड थी तो मेरे माता पिताजी मेरे विकलांग थे, तो पिताजी विकलांग हुए थे तो मैं उनकी सेवा करती थी, लेकिन मैं देखती थी कि भाई लोग उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो मुझे उस टाइम बड़ा कष्ट होता था, और मैं ये सोचती थी कि मेरी शादी जहाँ होगी मैं अपने सास ससुर की पूरी सेवा भाव से सेवा करूँगी, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी फैमिली ने मेरा सहयोग किया और मैं ये वृद्ध आश्रम लाने में सफल हो गई, क्योंकि मुझे तो सेवा भाव बहुत अच्छा लगता है। सीमा चौरसिया जी, आप दबोह नगर की एक बहू हैं, तो बहु होते हुए आपको भागदौड़ करनी होती है, अधिकारियों के बीच में मिलना जुलना रहता होगा, समाज के बीच में जाना पड़ता है, तो किस तरीके से अपने आप को महसूस करती हूँ? मैं हमेशा अपनी मर्यादा में रहती हूँ, मुझे किसी से भी बात करने में कोई हिचक नहीं लगती है, क्योंकि मेरा भाव ही एकदम स्वतंत्र भाव है मेरा, और मेरे अंदर कहीं कोई छल कपट है नहीं है, तो मेरे लिए तो सभी मेरी भाई और बहन के ही बराबर हैं। आपके सास ससुर ने कभी आपको इस पर ऐतराज़ किया? नहीं, आज मैं उन्हीं की बदौलत, अपने सास ससुर की बदौलत ही आज मैं इस सीढ़ी पर हूँ। मेरी सास ने मेरा इतना सहयोग किया कि मेरी माँ भी इतना सहयोग नहीं करती शायद।